हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम न्यू डिज़ाइन वाले झुमका इयररिंग्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रास वायर लिया है 20 गेज और राउंड नोज प्लायर की हेल्प से हमें इसमें एक लूप बनाना है और आगे थोड़ी वायर छोड़नी है इस तरह से। तो अब उसी लूप के साथ ही दूसरा लूप भी बना देना है, यानी कि जहाँ पर फर्स्ट लूप हमारा ख़त्म होता है वहाँ से हमें दूसरा लूप बना देना है साथ साथ, और बीच में कोई गैप नज़र नहीं आना चाहिए। और इसी तरह दूसरे लूप के एंडिंग सिरे से तीसरा लूप हमें बना देना है। तो हमें टोटल 5 लूप बनाने हैं। तो देखिए, हमारे 3 लूप बन चुके हैं। अब फिर से तीसरे लूप के बिल्कुल साथ ही प्लायर को रखेंगे और वायर को प्लायर से प्रेस करते हुए मोड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे 4 लूप हमारे बन चुके हैं। तो इसी तरह एक और लूप हमें बना लेना है बिल्कुल गैप ना छोड़ते हुए। तो हमारे 5 लूप जो हैं वो बन चुके हैं। अब जो साइड्स पे वायर है उसे हमें सीधा करना है। तो वायर थोड़ा बड़ा है दोनों साइड्स पे, तो उसे हमें थोड़ा कट कर लेना है क्योंकि उससे हमें लूप बनाने हैं। एक्स्ट्रा वायर को हमने यहाँ कट कर दिया है। तो अब जो हमने लूप बनाए थे 5 लूप्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ऊपर की तरफ लूप बना देना है इस तरह से, और दूसरी साइड भी हमें ऊपर की तरफ लूप बना देना है। तो देखिए, ये हमारा पीस बन चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने गोल्डन चेन लिया है और साथ में ईयर वायर लिया है। तो यहाँ पर मैं चेन का यूज़ इस तरह से करने वाली हूँ इस पीस के साथ, यानी कि ये चेन इस तरह से हैंग होगा। लेकिन मुझे इसका बीच वाला पार्ट चाहिए जहाँ से मैं अपने ईयर वायर को हैंग कर सकूँ, ईयर वायर में चेन को हैंग कर सकूँ। तो देखिए, आप इस तरह से वायर में चेन को डाल सकते हो। इससे ईजिली आपको पता चल जाएगा कि आपको ईयर वायर कहाँ पर डालना चाहिए, ये जंप रिंग कहाँ पर डालना चाहिए। तो देखिए, इस तरह हैंग करने के बाद हम ईजिली चेन में ईयर वायर डाल सकते हैं। और देखिए, उसके बाद हमें ये पीस लेना है जो हमने बनाया था, और उसके लूप को ओपन करेंगे और एक चेन को डालेंगे और लूप बंद करेंगे, और इसी तरह दूसरा लूप ओपन करेंगे और चेन का दूसरा पीस जो है उसे एंडिंग सिरे से हमें यहाँ पे डाल देना है और फिर से लूप को बंद कर देना है। तो देखिए, ये हमारे इयररिंग्स का जो है बेस बन चुका है। अब हमें इसमें डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने जंप रिंग्स लिए हैं और साथ में प्लास्टिक घुंघरू लिए हैं। तो और बीच में हैंग करने के लिए झुमका का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो हमें जंप रिंग को ओपन करना है और 3 घुंघरू डालने हैं इसमें। आप चाहो तो लॉरियल्स का यूज़ भी कर सकते हो। तो 3 घुंघरू डालने के बाद जो नीचे होल आप देख रहे हो झुमके में, तो वहाँ पे हमें जंप रिंग को डाल देना है और इसे क्लोज कर देना है। तो इसी तरह बाकी के होल्स में भी हमें 3-3 घुंघरू जंप रिंग में डालते हुए अटैच कर देने हैं। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, 3 घुंघरू डालने हैं और जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं झुमके में, वहाँ से हमें जंप रिंग डालना है और इसे क्लोज कर देना है। तो देखिए, इसी तरह से हमें बाकी के भी डाल लेने हैं, और ये लास्ट वाला पीस जो मैं अटैच कर रही हूँ। तो देखिए, तो ये हमारे घुंघरू अटैच हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें एक और जंप रिंग चाहिए। तो जंप रिंग को हमें ओपन करना है और झुमके के ऊपर जो होल है वहाँ पर हमें इसे डालना है, और जो मैंने लूप बनाए थे बीच वाला लूप है जो, वहाँ पे हमें इस जंप रिंग को डालना है और क्लोज कर देना है। क्योंकि मैंने टोटल 5 लूप बनाए थे तो 2-2 लूप दोनों साइड के छोड़ने हैं, और जो बीच वाला है लूप वहाँ पर झुमके को मैंने अटैच किया है। अब फिर से जंप रिंग में 3 घुंघरू डाले हैं और जो ईयर वायर का लूप है वहाँ पे मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो इसी तरह दोनों साइड्स में भी बीच वाले पार्ट में चेन के यहाँ भी मैं 3 घुंघरू अटैच कर रही हूँ जंप रिंग के साथ। तो देखिए, इसी तरह
चेन के दूसरी साइड भी हमें 3 घुंघरू डाल लेने हैं। तो अब बारी आती है लूप्स की। तो लूप में भी हमें 3-3 घुंघरू जंप रिंग के साथ अटैच कर लेने हैं, तो तभी ये हैवी लुक में नज़र आएगा। तो देखिए, सभी लूप्स में हमें घुंघरू को अटैच कर देना है, और जो लूप ऊपर की तरफ बनाए थे वहाँ भी हमें घुंघरू डाल देने हैं। तो इस तरह जो हमारे गोल्ड इफेक्ट वाले झुमका हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।